मैं बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली मेरे पास कमेंट किए हुए थे कि भाई आप टेक्सटाइल के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर इंडिया में अभी के टाइम पे एज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमको आसानी से जॉब मिल सकता है। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, किसी को हम जानते नहीं है, तो हमको जॉब मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो भी शेयर करूंगा कैसे आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आराम से हमको कैसे जॉब मिल सकता है। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारे लिए टेक्सटाइल इंजीनियर अगर हमने डिप्लोमा से कोर्स किया हो, कुछ लोगों ने, कुछ लोग बीटेक से हैं, कुछ लोग बैचलर्स डिग्रीज ले रखी हैं, और पूछ रहे थे कि भाई आप ये बताओ कि हमारे लिए कौन सा जगह बेस्ट है जहाँ पे हमको सबसे अच्छी सैलरी मिले। देखो, दो ही जगह बेस्ट है आप लोग के लिए अगर आप एक टेक्सटाइल इंजीनियर हो। पहला तो गुजरात हो जाता है, फिर महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में टेक्सटाइल इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और सैलरी भी कितनी मिलती है मैं शेयर कर देता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा टिप दे दूंगा, अगर आपने जहाँ से भी अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो आप एक काम करो, वहीं पर आप 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो। उससे आपको बेनिफिट ही होगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और जॉब मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई लोग ये कह रहे थे कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी को हम जानते नहीं है, अगर मान लो हमको गुजरात में जॉब अप्लाई करना है या फिर महाराष्ट्र में करना है तो हम किसी को जानते नहीं तो कैसे अप्लाई करें। देखो, उसके लिए आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पर भी कई सारे फ्रॉड वेबसाइट लगते हैं लोगों को, तो मैं जेन्युइन वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड.com है। कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे वेबसाइट है। यहाँ से आप अभी मैंने करेंट में चेक किए, काफ़ी सारे टेक्सटाइल इंजीनियर्स के जॉब अभी भी करेंट में अवेलेबल है, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। इंडीड पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, बेस्ट वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो भाई किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें मैं बता दूँ। इंटरव्यू का सारा लोकेशन सारा कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। देखो, महाराष्ट्र गुजरात में अगर हम एक्सपीरियंस पे सैलरी की बात करें तो आपको 19,000 से लेकर के 25,000 तक मिल जाता है, अलग अलग कंपनीज़ में। फैसिलिटीज़ के साथ साथ भी सैलरी जितनी मिल जाती है, फूड फैसिलिटी मिल जाता है, रहने का भी फैसिलिटी मिल जाता है कई सारी कंपनीज़ में। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको 2 ईयर 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो महाराष्ट्र गुजरात में आप लगभग 35,000 की मैक्सिमम बीटेक पे अर्न कर सकते हो एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर, ठीक है। 35,000 अभी एवरेज बता रहा हूँ, इससे भी अधिक अधिक लोग कमा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई डाउट हो कमेंट करो, कुछ भी पूछना हो अगर आप लोगों को मेरे से तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय।